तो स्वागत है आपका आईटी सिंप्लीफाइड इन हिंदी पर। वैसे तो मैं इस चैनल पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन कई बार मैं इस चैनल पर व्लॉग्स भी डालता हूँ। अभी मैं कनाडा में हूँ तो चाहता हूँ कि आपके साथ भी कनाडा का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँ, यहाँ के नेचर को शेयर करूँ, यहाँ के कल्चर को शेयर करूँ वगैरह। तो अभी मैं जा रहा हूँ विलियम हॉर्लेक पार्क। ये पार्क मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है और एक्चुअली गर्मियों में ये पार्क काफ़ी ज़्यादा फिल्ड अप होता है, लेकिन ठंडों में वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाते। मैंने सोचा कि चलो ठंड में ही चलते हैं। हालांकि गर्मियों में मैं कई बार वहाँ पर जा चुका हूँ, लेकिन ठंड में जाने का एक अलग ही मज़ा होगा। चलते हैं ठंड में। और आज का दिन मैंने इसलिए चुना क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से धूप आया हुआ है। बाहर का टेम्परेचर अभी करीब -7°C है। कितना भी धूप हो जाए टेम्परेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइनस में ही होता है। और विंड चिल लेकर के इसे -11°C बताया जा रहा था इंटरनेट पर। हालांकि अभी तो मुझे घूमने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं विलियम हॉर्लेक पार्क। इस बीच में आपसे थोड़ी बहुत बातें भी होंगी, कुछ चैनल के बारे में भी बातें होंगी, कुछ कनाडा के बारे में भी बातें होंगी, काफ़ी सारी बातें की जाएंगी। कनाडा की एक सबसे अजीब बात पता है मुझे क्या लगती है कि यहाँ पर चाहे जो भी हो जाए, कितना भी ठंड पड़ जाए, कोहरा कभी नहीं होता। विजिबिलिटी हमेशा 100% होती है और सूरज हमेशा ही काफ़ी तेज चमकते रहता है। अभी यहाँ पर टेम्परेचर जैसा कि अभी मैंने बताया कि -6°C है और विंड चिल लेकर के, मतलब अगर हवा वगैरह के फील्स लाइक, इसे कहते हैं हवा वगैरह को मिला दे तो इट्स फील्स लाइक -10°C। फिर भी देखिए कितना क्लियर इन्वायरमेंट है, आसमान बिल्कुल नीला और सूरज हमारे पीछे है, सूरज हमारे ठीक पीछे चमकता हुआ। बेहतरीन नज़ारे हैं यहाँ पर, रियली काफ़ी बेहतरीन नज़ारे। और हॉर्लेक पार्क की तरफ तो और भी मज़ा आता है जा करके। गर्मियों में तो काफ़ी आता था, ठंड में मैं पहली बार जा रहा हूँ। एक्चुअली हॉर्लेक पार्क मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ। एक सीढ़ी है, वहाँ से नीचे उतर करके आप हॉर्लेक पार्क में जा सकते हैं। नज़ारे काफ़ी शानदार आते हैं भाई कनाडा में, ये तो मानना पड़ेगा, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारे आते हैं। यूँ देखिए सूरज की तरफ, हमें जाना इधर है। ये जो सामने आपको सीढ़ी दिखाई दे रही होगी, एक इस सीढ़ी से हमें नीचे उतरना है, थोड़ा ध्यान से उतरना होगा क्योंकि बर्फ़ वगैरह भी हो सकता है सीढ़ी पर, और अगर बर्फ़ हुई तो फिसल के गिरने के भी चांसेस हैं, तो काफ़ी ध्यान से यहाँ पर उतरना होगा नीचे। चलिए उतरा जाए। ये रही वो सीढ़ी जहाँ से हमें नीचे उतरना है, तो चलिए उतरते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे इस पूरी ट्रिप को। कभी कभी ऐसे ही सोचता हूँ कि कुछ मज़े कर लिया जाए, टेक्निकल बातें कितनी हो, कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी होनी चाहिए, खास करके नेचर रिलेटेड। मुझे नेचुरली रिच जगह जो होते हैं वहाँ पर घूमने में काफ़ी मज़ा आता है। हाँ, यहाँ का कल्चरल जो कुछ एक्ट्स होते हैं वहाँ पर मैं नहीं जाना चाहता ज़्यादातर, और लेकिन नेचुरल जगहों पर जाने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और भी जगह पर घूमेंगे, नो डाउट, और भी जगह पर घूमेंगे। फिलहाल हम आ रहे हैं विलियम हॉर्लेक पार्क में। बड़े ध्यान से उतरना होगा वरना एक तो ठंड है काफ़ी ज़्यादा, ऊपर से कहीं पैर फिसला ना तो मज़ा आ जाएगा। इस पार्क में एक कल्चरल फेस्टिवल भी होता है जिसमें सारे कंट्री के लोग अपने अपने कंट्री के कल्चर का नज़ारा पेश करते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर हुआ था हेरिटेज फेस्टिवल, उसे कहते हैं। हालांकि उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया कोई, लेकिन उसके कुछ पिक्चर्स और वीडियो मेरे पास हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन पिक्चर्स और वीडियोज को एक साथ करके और एक वीडियो बना करके आपको दिखाऊं। अगर पुराने कोई स्टोर पिक्चर्स और वीडियोस उस हेरिटेज फेस्टिवल के मुझे मिल जाए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा।
इसी पार्क में हुआ था वो हेरिटेज फेस्टिवल। समय यहाँ से देखिए बर्फ ही बर्फ, बड़े आराम से चलना होगा भाई, गिरे तो गए, हालांकि सीढ़ी सब नीचे उतर गए हैं। पता है गर्मियों में जब मैं पहली बार आया था तो कनाडा में पहली बार मुझे मच्छर यहाँ पर काट रहे थे, इस एरिया में, इस पार्टिकुलर एरिया में काफ़ी मच्छर काट रहे थे। हालांकि कनाडा में मच्छर मक्खी या फिर स्ट्रीट डॉग्स या फिर रोड पर चलते हुए जानवर वगैरह बिल्कुल दिखाई नहीं देते, लेकिन इस एरिया में उस दिन मुझे काफ़ी मच्छरों ने काटा था, मुझे इंडिया की याद आ गई थी। देखिए संडे है आज, कई लोग आए हैं यहाँ पर मस्ती करने। अगर यही हम गर्मियों में आते ना तो जरा सा भी वाइट दिखाई नहीं देता, फिर सब ग्रीन ही होता, पूरी तरह से ग्रीन। लेकिन हम लोग आए हैं सर्दियों में, ये देखिए बर्फ, तो हम लोग आए हैं सर्दियों में, सर्दियों में आए हैं तो सर्दियों के मजे भी आएंगे नो डाउट। कनाडा की एक खासियत है पता है, कनाडा में कोई भी जमीन खाली दिखाई नहीं देता, खाली इन द सेंस या तो वहां पर रोड होगा या फिर वहां पर घास होगी, ऐसा खुला हुआ जमीन जिस पर कि धूल उड़ रहे हो वगैरह कहीं दिखाई नहीं देता। और इसी वजह से क्या होता है कि कहीं भी पोल्यूशन नहीं होता क्योंकि धूल उड़ता ही नहीं है, बिल्कुल धूल नहीं उड़ता। अगर आप यहाँ पर सड़क पर के जो बिजली के खंभे वगैरह होते हैं उन्हें देखें तो आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल लगा हुआ दिखाई नहीं देगा, जैसे इंडिया में नहीं होता है कि भर जाता है धूल से, यहाँ पर वैसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल ही क्लीन एनवायरमेंट होता है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, जिस तरह से लोग यहाँ पर स्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए स्केटिंग के लिए बनाया गया है, बर्फ जमा हुई थी उसे प्लेन कर दिया गया है और लोग यहाँ पर धूप में और बर्फ में स्केटिंग के मजे लेते हुए, लोगों के पास अपना जूता वगैरह होता है, स्केटिंग के लिए एक अलग से सूज आते हैं आपको, वो पहनना पड़ता है, फिर पहन के चलना भी इतना बहुत मुश्किल होता है। देखिए अभी वो बच्चा सीख रहा है पकड़ के, सबसे पहले आपको कुछ यूं ही पकड़ के चलना होता है, फिर धीरे धीरे आप आराम से अपने दो पैरों पर चलने लगते हो। होपफुली आप इस पूरे नज़ारे को एंजॉय कर रहे होंगे, चलिए और कहीं चलते हैं। यहाँ पर सामने एक लेक हुआ करता था, चलिए चल के देखते हैं कि वो लेक है भी या फिर जम गया है। उसके बाद आपको इस लेक के ऊपर एक पुल बना हुआ, उस पुल के ऊपर ले चलेंगे और वहाँ से जमा हुआ जो लेक है वो बड़े आराम से दिखाई देगा। यार यहाँ पर क्या मज़ा आ रहा है, कि होता तो मैं अपना भी फ़ोटो खिंचा लेता, अकेले आ गया हूँ। कल मेरे कुछ मित्र गण आए थे, उन्होंने कहा कि चलो घूमने चलो, तो टाइम पर मैंने उनका फ़ोन ही नहीं उठाया, मुझे पता ही नहीं चला कि उनका कोई कॉल आ रहा है, और आज मैं अकेले ही आ गया हूँ घूमने। यार बहुत ज़्यादा बर्फ है, पैर अंदर जा रहा है इस बर्फ में, मज़ेदार एक्सपीरियंस है भाई, मानना पड़ेगा। कल आता तो मैं भी कैमरे के सामने होता, एक बार मैं उन्हें पकड़ कर लाऊंगा और फोटो खींचाऊंगा, और उसे जो अपना पेज है ना आई टी सिंप्लीफाइड इन हिंदी का जो फेसबुक पेज है उस पर पोस्ट कर दूंगा। आप लोग जा करके आई टी सिंप्लीफाइड इन हिंदी का जो फेसबुक पेज है उसे भी जाके ज्वाइन कर लो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और हर तरह से आई टी सिंप्लीफाइड इन हिंदी के साथ जुड़े रहोगे। देखो मेरे पैर का हालत देखो कहाँ जा रहे हैं, यूँ लगता है पता है क्या कि नमक, जैसे लगता है किसी ने नमक डाल रखा हो और मैं नमक पर ही चल रहा हूँ, पैर एक एक फीट नीचे जा रहा है। ओह ये देखो मेरा पैर कहाँ गया। देखो
होपफुली इंजॉय कर रहे होगे आप सब। विलियम हॉरलेक, विलियम हॉरलेक एडमिंटन के मेयर थे, जो कि काफी ज्यादा दिनों तक लॉन्गेस्ट वर्किंग मेयर रहे हैं यहाँ। उनका कार्यकाल बाकी मेयरों से काफी ज्यादा रहा है, तो उन्हीं विलियम हॉरलेक के नाम पर इस पार्क का नाम विलियम हॉरलेक पार्क दिया गया है और इसे हॉरलेक पार्क भी कह दिया जाता है। लेक के नजदीक आ गए हैं और मैं तो प्रेफर करूंगा इस बर्फ के ऊपर से चल के जाने के लिए। चलिए चलते हैं, मुझे बर्फ पर चलने में बहुत मजा आ रहा है रियली। पैर अंदर चला जा रहा है एंड दैट इज ऑसम। जब जूते उस तरह के पहन रखा हूं तो फिर डर क्या है। आइए देखते हैं लेक को किस तरह का दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं कि लेक यहां पर होगा भी नहीं, बर्फ बन चुका होगा सबका सब। ये देखिए, ये जो बर्फ की चादर आप देख रहे हो, ये कभी लेक हुआ करता था। और भी अच्छे व्यू जिसके लेंगे, अभी आगे एक पुल है, पुल के ऊपर जाएंगे और पुल के ऊपर से इस पूरे लेक का व्यू लेंगे। तो चलते हैं उस पुल की तरफ। चलिए अब उस पुल की तरफ चलते हैं और यहाँ कुछ लोग आग के मजे ले रहे हैं, बर्फ के ऊपर आग जला के और उसके मजे ले रहे हैं। आइए हम भी थोड़े मजे ले रहे हैं इस आग के। काफी इंटरेस्टिंग हो गया ये। हेलो, आई एम रिकॉर्डिंग दिस स्नो एरिया। सो that's why I came here. That's why I came here. I looked at this fire. Yeah. And I came to get some warm. Yeah, what heck? Get yeah, closer. So. Okay. Okay, thank you. Nice to meet you. Thank you. ये रहा वो पुल और यहाँ देखिए लोग किस तरह से मस्ती करते हुए। इस नाव पर बैठ जाता होगा, ये लोग बर्फ पर खींचते होंगे एक एक करके, छोटे छोटे बच्चे और उनका खेल। पता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो सीन जो दिखाई दे रहा है बर्फ के ऊपर धूप, वो सीन मुझे काफी पसंद है। ये रहा वो पुल, यहाँ पर ज्यादातर लोग जॉगिंग के लिए आते हैं और इस पुल के नीचे है वो लेक जिसमें कि लोग बोटिंग करते हैं, लेकिन आज के डेट में वो लेक नहीं है। क्योंकि उस लेक के जगह पर आ गया है पूरा बर्फ, सारा का सारा लेक जो है सो बर्फ में तब्दील हो गया है। हालांकि अगर आप इस बर्फ पर चलने की कोशिश करते तो हो सकता है कि आप डूब जाओ, नीचे में पानी होगा और ऊपर का सरफेस बर्फ बन गया होगा, तो वहां जाना अलाउड नहीं होता उस बर्फ के ऊपर। कई जगह पर अभी भी थोड़ा सा अगर बर्फ ढहा तो आप पानी में जा सकते हो, और फिर कभी आपको बचा भी नहीं पाएगा क्योंकि बाहर से तो आप दिखाई दोगे नहीं। ये रहा आपका वो नदी। इस नदी को और सामने का ये पुल,
पिछली बार जब मैं आया था तो लोग यहाँ पर बोटिंग वगैरह कर रहे थे, गर्मियों में मैं आया था, बोटिंग वगैरह कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर स्विमिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन बोटिंग आप कर सकते हो। ये डॉगी मेरे तरफ आ रहा है। यहाँ देखिए जमे हुए नदी के नज़ारे और सूरज को देखिए। पता है यहाँ पर सूरज के बारे में एक मैं खास बात आपको बता दूं कि सूरज कभी भी सर के ऊपर नहीं आता, जैसे हमारी तरफ होता है ना 12 बजे सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, और जब टोटल दोपहर होती है तो सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर सूरज हमेशा एक हॉरिजॉन्टल मेंटेन रखता है, मतलब बिल्कुल आपके सर के ऊपर कभी नहीं आएगा। और अभी शायद सुबह के, मैं देखता हूँ क्या टाइम हो रहा है, अभी सुबह के 12 बज रहे हैं और 12 बजे भी सूरज देखिए कहाँ है, आपके सर से बहुत दूर है। जैसे 2 या 3 बजे जो इंक्लाइनेशन सूरज का होता है हमारे एरिया में दोपहर के 2 या 3 बजे, वही इंक्लाइनेशन सूरज यहाँ पर 12 बजे लिए हुए है। इस वजह से पता है जो परछाई है किसी भी चीज़ का वो हमेशा यहाँ पर लंबवत बनती है, मतलब लॉन्ग शैडो हमेशा क्रिएट होता है, क्योंकि सूरज कभी सर के ऊपर जाता ही नहीं है। और ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अलग लगा नेचर में। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बर्फीली नदी के नज़ारे आपको पसंद आए होंगे, इस जमी हुई नदी के नज़ारे, इस जमी हुई नदी के नज़ारे आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस के लिए या फिर ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए IT सिंपलीफाइड इन हिंदी। धन्यवाद।